आपका शो फालतू जो कि स्टार प्लस का है <laughs> जी. आ, वैसे ही इससे तो आपको फेम काफ़ी मिला है ये नो no डाउट वैसे देखा जाए तो वो शो आपको मिला कैसे था और निहार का चौकसी जो कि आपकी को स्टार भी रह चुकी हैं तो उनके साथ में आपका रिलेशन कैसा था निहारिका के साथ तो बहुत अच्छा बॉन्ड था या yeah, बिकॉज वो भी एमपी से आती हैं हाँ शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम एमपी एंड वी गाइज़ यूज़ टू हैव अ लॉट ऑफ फन अपरेंटली वो भी उस सेट uh, पे गई मुझे भी अनोखा करते करते एक बार आउटडोर लोकेशन आया है एस जे एंड आई वेंट देर और इतना नोस्टाल्जिक लगा मुझे बस वो ऐसा ऐसा लुक दिया है मैंने उसको एंड आई फिल ऑल द मेमोरीज इन साइड माई हेड और uh, वो फिल्डअप हो जाता है ना इंसानी की जगह पर कितना काम करते हैं हम स्टेज फिफ्टीन सिक्सटीन आवर्स वी स्पेंड देर तो वो घर बन चुका है सो पूरा नस्टैल्जिक फील हुआ एंड uh, निहारिका लोगों से तो बात होती रहती है मेरी बहुत हमारा चलता रहता है एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस आई वुड से फालतू मेरा एक्चुअली इरादा नहीं था मैं कोविड के वक्त वापस घर चली गई थी एंड आई डिड नॉट कम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द होल कोविड बिकॉज टू थाउजेंड 2019 के बाद आपको फिर 2023 में आपको ये फालतू शो मिला था राइट yeah. right? सो आफ्टर डूइंग दैट मैं इतने लम्बे गैप के बाद यहाँ वापस मुंबई आई वन ऑफ द रीज़न्स कुड बी कोविड ऑल्सो कहीं ना कहीं न्यूज़ इन ऑल से सो so, um, फालतू आफ्टर लॉन्ग गैप मुझे एक बहुत ही uh, क्या बोलते हैं उसे आपको एक वापस uh, अपने होता है ना कि वर्क रूटीन पर आने के लिए मशीनरी स्टार्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था सो so, uh, फालतू वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड डूइंग दैट उससे मेरी मशीन में ऑयलिंग हो गई जो जंग लग गई थी वो वापस से काम करने लगी सो आई डिड दैट एंड ऑल ऑलो आई हैड नो थॉट ऑफ डूइंग टी वीज अगेन बिफोर फालतू बिकॉज आई वॉन्ट टू टू परस्यू माई स्टडी करियर मोर बिकॉज अब होता ना लाइफ का स्टेज वो आ गया कि अभी हाँ पढ़ाई पे भी करना है सो अपेरेंटली आई वॉज़ प्रिपेयरिंग फॉर देट एंड फिर फालतू मैंने बोला यार ये कहीं कही ना कहीं है तो इंटरेस्टिंग करना है मुझे मेरा इंटरेस्ट है उधर तो आई डिड दैट लेटर ऑन फिर अनोखा सो वैल ये फालतू तो जो वर्ड था वो सुनकर कैसा लगा था मतलब शो का नाम जब पहले आपने सुना होगा अरे फालतू तो ये कौन सा नाम है भाई तो इस पर थोड़ा सा कुछ रिएक्शन कैसा था आपका सुनकर मेरा तो अरे मैं उस समय पे क्या बैक टू बैक बहुत सारे मॉक शूट्स कर रही थी सो so, uh, जब होता है ना कि आप डेली डेली एक ही काम करो आप कंफ्यूज हो जाते हो आप किस शो के लिए गए हो mm -hmm. आपको ये याद रहता है कि आपको किस इंसान ने कोऑर्डिनेट किया है जी सो यू डोंट गेट टू नो नेम समटाइम्स ऑल दो यू नो इट बट उतना ध्यान भी नहीं रहता आपको ये याद रहता कि मैं इस इंसान के थ्रू यहाँ गई थी मुझे यहाँ जाना है मेरा ये कैरेक्टर है टू डू द स्क्रिप्ट सो सेम हैपेंड विथ मी आई डिड आई वेंट फॉर द मॉक शूट एंड लेटर ऑन वैन वी वर डूइंग द लुक टेस्ट फॉर दैट शो कुछ तो बात आई फालतू फालतू करके तो मैंने बोला फालतू द क्रिएटिव यू नो आर शोज नहीं मिस फालतू है ना मज़ लाइक ओके ठीक है सुना सुना है उस समय मैं छुप रही घर आने के बाद मैंने सोचा कि मुझे पता कैसे नहीं था और फिर किसी को बताते वक्त ना ये होता था कि क्या बोलूँ फ़ालतू शो कर रही थी फिर हम लोग मजाक किया करते थे कभी सेट पे इनफैक्ट ये जोक निहारिका का था कि जब कोई भी आर्टिस्ट कुछ नया करता है तो उसमें न्यूज़ कवर्स आते हैं कि इसका फेम उसका फेम तो हमारे नाम क्या क्या गया फ़ालतू फेम <laughs> <laughs> तो इट वॉज थोड़ा सा हजारडज एक्सपीरियंस लोगों को बताते थे कौन सा शो तो लोग ना डबल क्वेश्चन करते थे आ, अगर बताया कि फालतू करे तो एक मिनट कौन सा क्या शो क्या नाम तो वो होता था <laughs> इस स्टूडियो में पहले दिन मैंने एंटर किया तो मैंने सेट नंबर बताया कि ये ये सेट है इधर जाना है वेयर इज़ इट सो यज़ लाइक अच्छा वो जो नया शो आया स्टार का वो क्या कचरा क्या क्या <laughs> it's like, okay. so it was a confusion but it was a very nice story and a very nice plotted show